सो हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ व्हाई इन आवर लाइफ। लाइफ में व्हाई का इम्पॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ज़्यादातर जो लोग हैं आज उनके पास जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, आज वो इस क्वेश्चन की वजह से है। ज्यादातर जो लोग कुछ नहीं कर पाए, राइट, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए जो वो चाहते थे, वो डिजायर, उनके पास जो डिजायर था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उसका जो बिगेस्ट रीजन है दैट दे वर नॉट क्लियर कि आखिर मैं इस काम को कर क्यों रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं वो लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हम करना तो चाहते हैं, हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस काम को नहीं कर पाओगे। ओके, सो फर्स्ट यू शुड ट्रेन योर माइंड दैट वाई यू आर डूइंग दिस वर्क। सपोज अगर आपको सी लैंग्वेज सीखनी है या C++ लैंग्वेज सीखनी है, सो आपको उस लैंग्वेज को क्यों सीखनी है ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप इसका कहाँ यूज करने वाले हो, कैसे यूज करने वाले हो, और जब इसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन जब आपको मिलती है तो फिर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, कि अगर मैं इस काम को करता हूं तो डेफिनेटली मुझे कुछ रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, कुछ मुझे कुछ मिलने वाला है, आई एम गोइंग टू गेट आउटपुट, गुड आउटपुट फ्रॉम दिस, राइट। सो अगर कोई भी काम से अगर आपको आउटपुट नहीं निकलता है, राइट, कुछ बढ़िया आउटपुट नहीं निकलता है, आपका माइंड उस चीज के लिए एक्शन लेता ही नहीं है बढ़िया से, आप उसका ब्लूप्रिंट बना ही नहीं पाओगे। आपका कैसे चलना है, मेरे पास कोई डिजायर है, मैं उस काम को करना चाहता हूं, सपोज मैं कोई भी एक मेरे पास ड्रीम है, मैं सपना, उस सपना को मुझे पूरा करना है, तो सपना को पूरा करने के लिए आपका एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि आपको जाना कैसे है। ओके, आपको यूपीएससी क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करने के लिए उसके रास्ते क्या है, मैं उस रास्ते को कैसे जाऊंगा, उस रास्ते पर मैं कैसे चलूंगा। सो बिफोर मूविंग टू दैट पाथ यू शुड बी वेरी क्लियर दैट व्हाई यू आर डूइंग दैट वर्क। कई सारे ऐसे मेरे फ्रेंड है जिसने मुझसे पूछा, भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मैं इंग्लिश में बहुत ही कमजोर हूं, मैं कैसे इंग्लिश में बोल सकता हूं, कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोल सकता हूं, बिल्कुल फ्रेंकली मैं बोल सकता हूं, मैंने बहुत समझाया, बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे एक चीज क्लियर था कि वो इंग्लिश क्यों, वो सीखना तो चाहता है लेकिन वो इसलिए सीखना चाहता है क्योंकि किसी ने उसे बोल रखा है तो इंग्लिश सीख ले तो लाइफ में बहुत बढ़िया हो जाएगा, उसके पेरेंट्स ने बोला या फिर उसने सोसाइटी से सुनकर रखा। तो आप बाहर वालों के थ्रू इन्फ्लुएंस हो, आप अंदर से नहीं चाह रहे हो कि मैं उस काम को करूं, तो जब तक कि आपको अंदर से नहीं बोलता कि मुझे ये काम को क्यों करना है, जब तक आप अंदर से क्लियर नहीं हो इस काम को मुझे क्यों कर रहा हूं, अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता, ठीक है, तब तक आप उस काम को नहीं कर सकते, राइट। सॉरी, सो इस बात का होना बड़ा जरूरी है कि आपको कोई और समझा रहा है, आपको किसी और ने टास्क दे रखा है कि आपको ये काम को करना है, लेकिन आप क्लियर नहीं हो कि इस काम को मुझे क्यों करना है। तो मेरे कुछ फ्रेंड है जिसे इंग्लिश सीखना था, कई सारे ने बोला भाई मुझे इंग्लिश सीखना है क्योंकि मुझे एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है। क्यों बनना है, कोई रीजन नहीं है, कोई बढ़िया से उसके पास कोई रीजन नहीं है, ठीक है, कोई बढ़िया से रीजन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रखा है, वो बढ़िया बोलता है तो मुझे भी बढ़िया बोलना है ताकि मुझे भी एक सोसाइटी में एक स्टेटस मिले, राइट। लेकिन वही कुछ सारे फ्रेंड ने क्या किया कि कुछ गर्ल्स ने उसे मैसेज किया, फॉरेन की कुछ गर्ल्स थी, और उससे क्या हुआ कि इंग्लिश में बातें शुरू हो गया, राइट। वो स्टार्ट कर दिया इंग्लिश कन्वर्सेशन, इंग्लिश में चैट करना, उसे समझ नहीं आया कि भाई अब मैं कैसे करूंगा। सो उसे एनी हाउ मैंने देखा कि वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगा कि मेरे को भाई इंग्लिश अब सीखनी चाहिए जैसे भी हो। तो उसे अब कोई उसे प्रेशर नहीं देता कि भाई तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, अब वो खुद अंदर से चाह रहा है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा तो फिर मैं उसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं उसे समझ नहीं पाऊंगा। So you should must have clarity that why you are doing that work. So guys, इस चीज का बड़ा जरूरी है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी डे टू डे लाइफ में आप कोई भी काम करने जा रहे हो, कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आप उससे एक बार जरूर
क्वेश्चन पूछो कि मैं इस काम को क्यों करूं, राइट। सेकंड क्वेश्चन, क्या मैं इस काम को करने से मेरी जो लाइफ में जो ड्रीम है, जो डिजायर, क्या वो पूरा हो सकता है, क्या मैं लाइफ में जो करना चाहता हूं उससे मैं पूरा कर सकता हूं क्या इस काम को करने से। अगर आंसर मिलता है यस, तो उस काम को आप जरूर करो, क्योंकि हम ज्यादातर समय हम वैसे कामों में इंडल्ज रहते हैं जिससे हमारी सक्सेस को डिटरमाइन नहीं करता, सक्सेस को डिफाइन नहीं करता, सबसे ज्यादा उस काम में देते हैं। सो गाइस, आप लाइफ में सचमुच में कुछ करना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आप कुछ लाइफ में एक बेहतरीन पोजीशन चाहते हो, लाइफ में एक बड़े लेवल तक जाना चाहते हो, सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर व्हाई यू हैव टू डू दैट वर्क। एंड द सेकंड क्वेश्चन, इज दैट कि क्या मैं उस काम को करूंगा तो क्या इससे मेरी सफलता होगी, क्या मैंने जो सोचा है लाइफ में करने के लिए क्या इससे मेरी सफलता डिटरमाइन होगी क्या। अगर आंसर आता है यस, देन गो अहेड। ओके सर, सो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो और भी देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं, बाय।